विजय सर की लड़ाई उनके सबसे बड़े फैन से है। अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से। अपने फैंस से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बस बुरा तब लगता है जब कुछ फैंस मेरे प्यार का फायदा उठाते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अक्षय कुमार के फिल्म सेल्फी के 4 दिनों के कलेक्शन के बारे में, कार्तिक आर्यन की शहजादा के 11 दिनों के कलेक्शन के बारे में और शाहरुख खान के पठान के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रैंड कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे इन तीनों ही फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि शहजादा, पठान और सेल्फी में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म शहजादा के बारे में, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं और फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो लगभग पूरा होने को आ चुका है। अगर बात करें शहजादा के 11 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो शहजादा फिल्म ने शुरुआती 11 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 30 करोड़ का किया है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 36 करोड़ रुपए, फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन लगभग 8 करोड़ के रेंज में रहा। इसी के साथ दोस्तों शहजादा फिल्म का जो टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो रहा 44 करोड़, यानी कि 44 करोड़ रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हो चुकी है। वही अब अगर बात करें 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के बारे में, जिस फिल्म में शाहरुख खान के साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण देखने को मिले थे। पठान फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन यह फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में अच्छी खासी चलती जा रही है और इस फिल्म ने सभी भाषाओं से दुनिया भर में जो कलेक्शन किए हैं वो पूरी तरह से लाजवाब है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पठान फिल्म का अभी तक ऑल इंडिया नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से 527 करोड़ का हो चुका है, वही फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 387 करोड़ की कमाई की है। बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन के बारे में, तो पठान का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 1021 करोड़ का हो चुका है। बता दो दोस्तों पठान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। वही अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म सेल्फी के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और उनके साथ नजर आ रहे हैं इमरान हाशमी, तो राज मेहता के डायरेक्शन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म सेल्फी, जिस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज हो चुके हैं 4 दिन। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म काफी बढ़िया है, फिल्म में एंटरटेनमेंट और कॉमेडी भरपूर है। अच्छी खासी फिल्म होने के बावजूद भी इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कम रहे। मतलब कि इतनी बढ़िया फिल्म जिसे भी लोग अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि सेल्फी जैसी बढ़िया फिल्म को पूरे परिवार के साथ देखना बनता है। लेकिन बात करें कि अभी तक सेल्फी फिल्म ने टोटल कितनी कमाई की, तो दोस्तों यहां पर सेल्फी फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों के वीकेंड में इंडिया से नेट कलेक्शन 10 करोड़ 30 लाख रुपए का किया था और चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए रहा। यानी कि दोस्तों सेल्फी फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 12 करोड़ के रेंज में किया, वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 4 दिनों के अंदर फिल्म का 20 करोड़ 28 लाख रुपए का रहा। तो दोस्तों फिल्म ने 4 दिनों में तो एक तरह से बहुत कम कमाई की है, लेकिन देखते हैं कि अगले हफ्ते कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही तो ये मूवी अगले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है।